हेलो फ्रेंड्स, मधुज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी बची हुई मिठाइयों से स्वादिष्ट मीठी कचौड़ी। दिवाली, होली या कोई भी त्यौहार हो, घर में अक्सर बहुत सारी मिठाइयां बच जाती हैं, तो उस मिठाई से हम एक नई रेसिपी तैयार करते हैं। तो चलिए मीठी कचौड़ी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ये कुछ मिठाइयाँ ली हैं, आप अपने पसंद के अनुसार जो भी घर में मिठाई हो आप ले सकते हैं। एक मैंने ये बेसन का लड्डू लिया है और ये दो खोए का लड्डू लिया है। अब इसे मैं अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला है, ये ऑप्शनल है, इससे कलर अच्छा आ जाएगा। इसमें मैं 2 चम्मच नारियल का बुरादा डालूंगी। आपके पास नारियल का बुरादा नहीं है तो आप नारियल को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। उसे नारियल का बुरादा कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। 8-10 बूंद मैं गुलाब जल डालूँगी। इसी कचौड़ी की महक जो है काफ़ी अच्छी आती है, ये भी ऑप्शनल है। अभी सारी सामग्री को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कचौड़ी बनाने के लिए हमने ये नॉर्मल जो रोटी का आटा हम गूंथते हैं वही लिया है हमने। अब इसमें ये मिठाई को हम भरेंगे। जितना आ जाए इसमें उतना भरेंगे। इसे अंगूठे की सहायता से दबाते हुए इसे किनारों से मोड़ लेंगे। अब इसमें मैं थोड़ा सा आटा या बर्तन जो है उसे लगाऊंगी। और इसे हम हल्का से बेल लेंगे। इसे बहुत पतला इसे ना करें, साइज आप अपने अनुसार इसका छोटा बड़ा जैसा भी चाहे आप कर सकते हैं। तो ये मीठी कचौड़ी भर के तैयार है। आपको मैं एक और कचौड़ी भर के दिखा रही हूँ, इसे मैं दूसरी तरह से भरूंगी। इसके लिए मैंने थोड़ा सा आटा लिया है, इसे भी एक बॉल की तरह बना लेंगे और इसे बेल लेंगे। बहुत पतला ना बेलें। इसमें जो ये तैयार किया हमने मिठाई वो उसे भरेंगे। अब इसे दोनों हाथों से किनारों से मोड़ते हुए इसे बंद कर देंगे और इसमें थोड़ा सा आटा लगा लेंगे और इसे बेल लेंगे। आप देख सकते हैं कितना आसानी से ये बन गया। इसी तरह से सारी मीठी कचौड़ी को बेल के तैयार कर लेंगे। इसमें हमने कढ़ाई रखा है, तेल भी गर्म हो चुका है। अब इसमें एक एक करके सारी कचौड़ी को डालेंगे। गैस का फ्लेम हमने मीडियम लो पे ही रखा है। इसे बीच बीच में पलटते रहें। कचौड़ी को गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। ये कचौड़ी बहुत ही स्वादिष्ट होती है और ये सबको पसंद आएगा। कचौड़ी अब गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट में मैंने टिश्यू पेपर रखा है जिससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है। इसी तरह से बची हुई कचौड़ियों को भी ऐसे ही तल लेंगे। ये भी अब गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसे प्लेट में निकाल लेते हैं।
ये हमारी स्वादिष्ट मीठी कचौड़ी बनके तैयार है। इसे आप अपने घर में जरूर बनाएं और ये बहुत ही टेस्टी बना है। आप बनाएंगे तो सबको पसंद आएगा और हमारी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे हम आपके लिए ढेर सारी रेसिपी लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।